हेलो हाय, जय श्री कृष्ण। मैं हर्षिता, आप सभी का हर्षिता हरीश की रसोई में स्वागत करती हूँ। आप सभी को हमारी डिश काफ़ी पसंद आ रही है, तो मैंने सोचा फिर क्यों ना कुछ न्यू डिश लेके आऊँ। है तो पुरानी पर अंदाज कुछ नया है बनाने का, तो आप देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ मावा मटर की सब्जी। इसके लिए हमें क्या लगेगा, आधा किलो मैंने मटर लिए हैं, वो जो कि बॉईल करके रखे हैं, अदरक, चार पांच हरी मिर्च, वो लहसुन रहेगी, चार पांच हरी मिर्च नहीं है, अदरक लेंगे, दो प्याज कट करके रखे, दो टमाटर कट करके रखा है, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, काला नमक ज़रूरी है, गरम मसाला, हींग और तेज पत्ते। और जो सब्जी का क्वालिटी है जो खास, वो है मावे की। अब आप देखिए कैसे बनती है मावा मटर की सब्जी। देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, इसमें हमने ये दो चम्मच घी डाला। हम बना रहे हैं मावा मटर की सब्जी। ये शुद्ध देसी घी में आप डालें, इसमें इतनी स्वादिष्ट और टेस्टी बनने वाली है ये सब्जी। ये गर्म हो रही है, इसमें हम तेजपान पत्ते लिए थे ये डाल दिए, एक चम्मच जीरा डाला, थोड़ी सी हींग डाली, और जो मैंने अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप कभी भी कोई गेस्ट आ रहे हैं, फटाफट आप बनाइए, काफ़ी मज़ा आएगा इसको खाने में, बनाने में। आप लोगों को कैसी लग रही है हमारी डिश, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब बढ़ाएं और हमें बताएं, प्रोत्साहन बढ़ाएं हमारा कि आपको कैसी लग रही है हमारी सारी चीज़ें बनाना बताना। मैं आप लोगों के लिए टिप्स रेडी करती हूँ हमेशा, हर बात। आप वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी जो प्याज लिए थे हमने दो, वो भी मैंने इसको पीस पीस में डाल दिए। ठीक है, हल्का सा ये गुलाबी हो रहा है। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं, टमाटर प्यूरी जो मैंने दो टमाटर की बनाई थी वो अब डाल दिया। अब इसको हम 5 से 7 मिनट थोड़ा सा अच्छा भुनेंगे। देखिए ये थोड़े से भून गए हैं प्याज हमारे टमाटर। अब हमने इसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला, एक चम्मच लाल मिर्च डाली, इसमें हम एक चम्मच नमक डाल रहे हैं, वैसे आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। काला नमक डालना ज़रूरी है क्योंकि मटर हम की सब्ज़ी बना रहे हैं, मावा मटर, मटर गैस नहीं करेगा। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला भून गया है, अब हम इसमें मावा डाल रहे हैं। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी बनेगी ये सब्ज़ी। इसे हम इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा इसमें मावा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, आधी कटोरी इतना। अभी हल्का हल्का मावा अच्छे से और भून जाएगा, हल्की सी इसमें तरी आने लगी। अब हम इसमें मटर डाल देंगे, ये देखिए। अब इसे मिक्स करके 5 मिनट ढक के रख देंगे। ये देखिए मेरे मटर पहले से बॉईल करके रखे थे, ये सब्ज़ी फिर फटाफट बन जाती है। अब इसे 5 मिनट हम और ढक के रख देंगे इस टाइप से। अब हम इसमें ये आधी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये हमारी सब्ज़ी रेडी है, काफ़ी मज़ा आएगा खाने में। गरम गरम पराठे के साथ इस सब्ज़ी को खाइए, काफ़ी टेस्टी लगेगी ये, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखिए बन गई हमारी मावा मटर की सब्जी, फटाफट, झटपट और स्वादिष्ट। मेरी जो टिप्स है इसी से रिलेटेड है, जैसे कि हम जो मैंने मटर बॉईल किए, अगर वो बॉईल करते वक्त आधा चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक डालें तो देखिए बिल्कुल ग्रीन लग रहे हैं मटर, ऐसे ही मटर दिखेंगे। तो आप ऐसे बॉईल कीजिए तो काफ़ी टेस्टी सब्जी बनेगी हमारी। कमेंट्स तो बनता है, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी को जय श्री कृष्ण। सभी लोग ये मावा मटर की सब्जी विद लच्छा पराठा, इसको पराठे के साथ खाइए। और मैं चावल प्रेमी हूँ, थोड़ा सा जीरा राइस हो जाएगा तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। मावा मटर की सब्जी विद लच्छा पराठा और जीरा राइस, आह देखते ही मजा आ गया, मन चल रहा है। पर आज मैं कैमरे के सामने नहीं खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।